दोस्तों बॉलीवुड में दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्मों में एंटीमेंट यानी कि गंदे सीन्स का मसाला डालना पड़ता है। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ ऐसे सीन्स को फिल्माने की कोशिश की जाती है। वैसे भी अब ज्यादातर हर फिल्म में किसिंग सीन आम बात हो गई है, लेकिन ऐसे सीन शूट करने के दौरान कुछ ऐसे एक्टर्स भी रहे हैं जो कि अपना आपा खो बैठे और एक्ट्रेस को छोड़ने का नाम नहीं लिया और उनको दबोचते ही चले गए। जी हाँ दोस्तों, एक दौर में विनोद खन्ना किसी चॉकलेटी हीरो से कम नहीं थे, जिसके चलते उन्हें कई रोमांटिक और एंटीमेंट सीन्स मिल जाते थे। वहीं ऐसे ही एक सीन ने विनोद खन्ना को जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया और उन्हें पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दरअसल डिंपल और विनोद की केमिस्ट्री एक समय पर बॉलीवुड की सबसे दमदार केमिस्ट्री मानी जाती थी। दोनों ने फिल्मों में कई एंटीमेंट और स्टीमी सीन भी दिए। ऐसे ही एक सीन के दौरान विनोद खन्ना डिंपल कपाड़िया में इतने खो गए कि वे खुद पर काबू नहीं रख पाए और डिंपल को किस करते ही चले गए। डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी विनोद नहीं रुके। इस वाक्य के बाद खुद डिंपल हैरान रह गई। डिंपल खुद गुस्से में थी। डिंपल का कहना था कि विनोद ने शूटिंग का नाजायज फायदा उठाया और उनके सेंसिटिव अंगों को भी छूने की कोशिश की। डिंपल विनोद के माफी मांगने के बाद भी नहीं मानी। वहीं इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने डिंपल से माफी मांगी थी और किसी तरह शूटिंग फिर से शुरू करवाई थी। वहीं इस घटना को लेकर मीडिया में खूब कंट्रोवर्सी भी रही थी। दरअसल फिल्म प्रेम धर्म के एक सीन में डिंपल और विनोद खन्ना को किस करना था। इस फिल्म में दोनों ने कई एंटीमेंट सीन दिए। वहीं इस सीन के दौरान विनोद खन्ना इतना खो गए कि डिंपल को किस करते ही चले गए और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुके। फिल्म के सीन के मुताबिक विनोद खन्ना को पहले डिंपल को किस करना था, इसके बाद सोने से पहले उन्हें डिंपल को हग करना था यानी कि उनको अपनी आगोश में लेना था। विनोद खन्ना अपना डे शेड्यूल पूरा करके रात के शेड्यूल में फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। विनोद ने पहले डिंपल को किस किया और फिर उन्हें बाहों में भरकर बुरी तरह से दबोचने लगे। महेश भट्ट चाहते थे कि सीन के लिए एक और टेक ले लें ताकि उसमें इंटेंसिटी नजर आए। इसके बाद अपना बेस्ट देने के लिए एंटीमेंट सीन में विनोद डिंपल को किस करने लगे। इसके बाद महेश भट्ट ने कट बोला, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से विनोद ने सुना नहीं और वो लगातार डिंपल को किस करते ही चले गए। विनोद को खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना खुद पर काबू नहीं रख सके और कट बोलने के बावजूद भी काफी देर तक डिंपल को दबोचते चले गए और उनके सेंसिटिव अंगों को छूते चले गए, जिससे डिंपल काफी घबरा गई थी। इस वाक्य से डिंपल शॉक्ड रह गई थी। हालांकि विनोद ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन डिंपल इतने गुस्से में थी कि विनोद के माफी मांगने के बाद भी वह नहीं मानी। महेश भट्ट ने डिंपल से कहा कि उस दिन शूट के दौरान विनोद खन्ना नशे में थे और उन्होंने कुछ ज्यादा ही नशा किया हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं रख सके। साथ ही इस तरह का सीन वो काफी लंबे समय बाद कर रहे थे। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग काफी लंबी खींचने की वजह से यह फाइनली फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मार्ग कर दिया गया और इसे 1992 में थिएटर में रिलीज न करके सीधे होम वीडियो रिलीज किया गया। बताया जाता है कि विनोद खन्ना रोमांटिक सीन करते वक्त इस कदर डूब जाते थे कि फिर उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता था। फिल्म दयावान का एक एंटीमेंट सीन बहुत पॉपुलर है और खबरों में अक्सर इस सीन की बात सामने आती रहती है। बता दें कि विनोद खन्ना एक सीन के दौरान इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ लिपलॉप करते हुए उनके होंठ पर काट भी लिया था। दरअसल माधुरी का शुरू से ही बहुत बढ़िया स्वभाव रहा और वे बहुत मेहनत करने वाली एक्ट्रेस रही हैं और ऐसे में उन्हें फिल्म में कोई भी सीन दिया जाए तो वह उसे करने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि वह उसे मात्र एक्टिंग के रूप में ही ले लेती हैं। ऐसे में विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित को एक गंदा सा किसिंग सीन करने के लिए कहा और उन्हें बताया गया कि यह सीन फिल्म के एक्टर विनोद खन्ना के साथ करना होगा और यह सीन करीब 2 मिनट से ज्यादा लंबा है। इस सीन में माधुरी को विनोद खन्ना के साथ चुंबन करना था और वे सीन करने से पहले कुछ डरी हुई थी। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो उसके कई रिटेक लिए गए, जिसकी वजह से माधुरी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सीन के शूटिंग के दौरान भी उन्हें विनोद खन्ना की नियत में कुछ खराबी नजर आ रही थी और वह शूट को एक बार में ही निपटाना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा, जिसके बाद वह काफी असहज नजर आ रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रीटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इस सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की। तो दोस्तों, अभिनेताओं द्वारा अभिनेत्रियों के साथ ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।